वेलकम टू फूड विथ राखी चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी कचौड़ी की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी चना दाल भिगोया हुआ लिया है, साथ ही लिया है अदरक और दो हरी मिर्च, जिसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को पीस लिया है। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो दाल पीसने वक्त, तो हमने इसमें लहसुन नहीं डाला है। इधर हमने एक बर्तन में 2 कप चावल का आटा लिया है, इसमें खौलता हुआ पानी डालेंगे। ठंडा पानी से इसे बिल्कुल भी न गूथे, इसे गर्म पानी डाल के ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे हम ठंडा होने के लिए हल्का साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए गूंथ लेंगे। तो ये चावल के आटे का एक अच्छा डो तैयार कर लेना है। आटे को अच्छे तरीके से मिला मिला के गूंथ ले, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा डो बन के एक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चावल के आटे को अच्छे तरीके से गूंथ के रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इधर गैस पे एक पैन में डाला है तेल, साथ ही डाला है जीरा। जीरा को पकने देंगे हल्का, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पीसा हुआ दाल। यहाँ पे आपको दाल ऐड कर लेना है। दाल डालने के साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसे हटा देंगे और इसको ठंडा होने के बाद ये स्टफिंग बनाने के लिए दाल वाला मिक्सचर तैयार है। अब हम इस चावल के आटे का जो हमने डो तैयार किया है, उसका छोटा छोटा लोई बना के इस तरीके से पेड़े का शेप देंगे और इसको चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए राउंड शेप देके इसमें हम दाल वाला स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम इसमें स्टफिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको कर लेना है। चारों तरफ से इस तरीके से इसके मुंह को घुमाते हुए सील कर लेना है। इसको हथेली पे हल्का डाल के इसको चिपटा करके चारों तरफ से इस तरीके का शेप दे देना है, गोल शेप। इसी तरीके से सारे कचौरी को बना के हमने तैयार कर लिया है। इधर हमने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। गर्म तेल में 1-1 करके कचौरी को डालेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको तलना है। तो यहाँ पे हल्का एक तरफ जब हो जाएगा, तब हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे और चारों तरफ से घुमाते हुए इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक ही इसको फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, हल्का गोल्डन कलर आएगा तब हम इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। तो यहाँ पर हमने तेल में से इस कचौड़ी को निकाल लिया है। सारे कचौड़ी को हमने बना के इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो चावल के आटे की कचौड़ी बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। आप भी इसे शाम के नाश्ते में बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को ये चावल के आटे की कचौरी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की इजी रेसिपी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।